न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी जिला के गांव बीकानेर के सरकारी स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में स्थित यूनुम पर्वत की 6111 मीटर ऊंची चोटी पर फतेह हासिल करके स्कूल, गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। स्कूल पहुंचने पर ग्रामीणों और स्कूल की तरफ से छात्रा का ढोल नगाड़ों, फूलमालाओं और नकद राशि देकर जोरदार स्वागत किया गया। स्कूल की प्राचार्य साकार लता ने कहा कि छात्रा भारती ने ये फतेह करके स्कूल और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। आपको बता दें कि 16 वर्षीय भारती गांव बीकानेर के सरकारी स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा है, जो अद्भुत योगासन भी करती है और राज्य स्तरीय योगा प्रतियोगिता में गोल्ड मेडलिस्ट भी है। छात्रा भारती का कहना है कि उसके गुरुजनों की वजह से ही वो आज यहाँ तक पहुँच पाई है और भविष्य में भी गुरुजनों के आशीर्वाद से आगे बढ़कर क्षेत्र का नाम रोशन करती रहेगी। छात्रा ने इस सफलता का श्रेय स्कूल के प्राचार्य मनोज कुमार, योगा गुरु दयाराम आर्य, योगा शिक्षक जगदीप आर्य, माता पिता स्कूल के शिक्षक और शिक्षा विभाग को दिया है। इस मौके पर प्रख्यात हास्य कवि हलचल हरियाणवी ने अपने अनोखे अंदाज में कविताओं के माध्यम से छात्रा को शुभकामनाएं दी। वहीं पतंजलि के जिला प्रभारी दयाराम आर्य ने कहा कि प्राचार्य मनोज कुमार के मार्गदर्शन में माता पिता व योग शिक्षक जगदीप आर्य के संयुक्त प्रयास से छात्रा को ये सफलता हासिल हुई है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ राजकुमार की रिपोर्ट। मेरे को स्कूल ने बहुत सम्मान किया था और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और कि योगा की वजह से जयदीप जो मेरे को सिखाते हैं योगा, उन्होंने मुझे हर जगह लेके जाते हैं और योगा की वजह से मैं पीक तक जाने की मुझे हौसला दिया। और मेरे पापा मेरे को बहुत वो करते हैं और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था और बार बार मेरा फ़ोन आता था और सब मुझे कहते थे तुझे करना है और मैंने ठान ली कि मुझे करना है और मैंने वो किया और मुझे हौसला अपने पर हौसला था कि मैं करूँगी और मैंने किया और स्कूल में इतनी मुझे इज्जत दी, सम्मान दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। आज तक मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई। हमारी पतंजलि योग समिति की बीकानेर गंगा चाहिर की योग कक्षा की और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बीकानेर की छात्रा भारती ने बहुत ही सम्मानजनक ऊंचाइयों को छू करके हमारे गांव का, हमारे विद्यालय का और हमारी पतंजलि का नाम रोशन किया है। और आज विद्यालय में गांव की तरफ से और विद्यालय परिवार की तरफ से, प्रधानाचार्य की तरफ से इतना सम्मान दिया गया है इस बच्ची को, हमें इसके लिए बहुत खुशी हो रही है। मैं इस बच्चे के लिए और पूरे विद्यालय परिवार के लिए मेरी ये कामना है कि हमारा ये विद्यालय और ये बच्ची और ऐसे और काफ़ी बच्चे हर क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, खेलों में, योग में, अनेक और संस्कृति में, कविता पाठ में अपने राष्ट्रीय स्तर तक अपना नाम रोशन करें हमारे विद्यालय का, बीकानेर का, ऐसी मेरी शुभकामना है। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है जो हमारी बेटी वहाँ तक पहुँची है, पूरे स्टाफ का सहयोग मिला है, गांव का सहयोग मिला है।